नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अंकित गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रिस्टलीय जालक संरचनाओं को समझेंगे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों की परिभाषा समझी थी, तो चलते हैं आज की वीडियो में हम क्रिस्टलीय जालक की परिभाषा क्या कह रही है। एक्स कोमा बाय कोमा जेड तीन अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जालक संरचना क्रिस्टलीय जालक संरचना कहलाती है। जैसे यहाँ पे है एक्स, ये मान लो हमने कोई क्रिस्टलीय जालक संरचना बनाई, एक्स, ये बाय और ये जेड, यानी इन तीन, ये क्या लिखा है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड तीन अक्षों पर बनी, जैसे हमने ये बनाई एक्स वाई जेड, कितने अक्षों पर, तीन, तीन अक्षों से बनी, व्यवस्थित करने से बनी जटिल, यानी इनको हमने व्यवस्थित कर लिया। जैसे एक्स है, इसके कॉर्नर को एक्स और ये वाई है, यहाँ पे चिपक रहे हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से बना दी, व्यवस्थित यानी इनको अच्छे से चिपका दिया, यानी कि ऐसी नहीं बनाई कि ऐसी बना दी, ऐसी बना दी, ऐसी बना दी, तो ये क्रिस्टलीय जालक संरचना नहीं कहलाएगी। इसको हमने एक्स बाय एक्स दे दी, इसको बाय इसको जाए, ये क्रिस्टलीय संरचना नहीं कहलाएगी, क्योंकि इनके क्या कॉर्नर जुड़े नहीं हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा जब ये क्रिस्टलीय संरचना कहलाएगी। यही इसमें लिखा है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड तीन अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी, ये हमने व्यवस्थित किया यहाँ पे जी, व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। ये हमारा जालक बन गया क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक कैसा होता है, इसी में ये ऐसा हीरा नहीं देखा, हीरा आपने देखा होगा टीवी में या फोटो में, ये कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, इसमें ऐसे ही छोटी छोटी अंदर क्रिस्टल जालक बने रहते हैं, बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल की तरह होता है, उसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, इसे जालक बिंदु कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने बिंदु बनाए, यहाँ पे ये बिंदु है, ये बिंदु है, इसी प्रकार क्रिस्टल जालक, जैसे हीरा है क्रिस्टल का सबसे अच्छा उदाहरण, हीरा में ऐसे बिंदु होते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे त्रिभुज टाइप के बने रहते हैं, या षटकोण टाइप के, उनमें ये कॉर्नरों पर बिंदु होते हैं, उनको हम बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं, यही इसकी परिभाषा में लिखा गया है, तो रियली आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो एक बार और समझा देता हूँ। एक्स कोमा वाई कोमा जेड तीन अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है, यानी तीन अवयव जैसे एक्स वाई जेड, इनको व्यवस्थित रूप से बनाने पर हमारी क्रिस्टल जालक संरचना प्राप्त होती है। अगला है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है, यानी सभी कॉर्नरों पर, जैसे ये कॉर्नर है यहाँ पे, जैसे ये हमारा क्रिस्टल जालक है, इसमें बार बार दोहराने पर, जैसे यहाँ पे दोहराई एक बार और दोहराई से अंदर दोहराई, इससे जो क्रिस्टल जालक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका, यानी बार बार दोहराने पर सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर जो जालक क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला है सरल घनीय एकक कोष्ठिका SSC, इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण घन के कोणों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1/8 × 8 बराबर 1 होती है। दोस्तों, ये परिभाषा मैंने यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाई है, थोड़ी देर बाद मैं आपको उदाहरण से समझाऊँगा यहाँ पे, इसलिए अभी हम इनकी ऐसी परिभाषा देख लेते हैं। अगला है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होती है, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। ये कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, पहला है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका BCC, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें अवयवी कण कोणों
के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयव कणों की संख्या 1/8 × 8+1=2 होती है। अगला है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या है, इसमें अवयवी कण कोणों के साथ साथ फलकों पर भी उपस्थित रहते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1/8 × 8+1/2 × 6=4 होती है। अगला है अल्प केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या है, इसमें अवयवी कण कोणों के साथ किन्हीं दो फलकों पर उपस्थित होते हैं। इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1/8 + 8+1/2 × 2=2 होती है। तो देखो दोस्तों, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे चित्र के द्वारा आपको समझाया है। इस चित्र से आपको अच्छे समझ में आएगा। पहला क्या है SSC, इसकी परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने, यहाँ पे देखिए SSC, इसमें अवयवी कण घन के कोणों पर उपस्थित होते हैं। क्या होता है, इसमें अवयवी कण घन के कोणों यहाँ पे जहाँ पे कोण बनते हैं, ये यहाँ पे एक कोण बना है, ये कोण है, कोण यहाँ पे कोण है, ये कोण है, इन कोणों पे उपस्थित होते हैं। ये अवयवी कण, ये बिंदु इनके कोणों पे उपस्थित होते हैं। कोने ये कॉर्नर होते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये कॉर्नर होता है, ये ऐसे यहाँ पे ये कोणों पे उपस्थित होते हैं। अब और इसी में आगे क्या कह रहा है, जिसमें प्रति एकक कोष्ठिका अवयव की संख्या इतनी होती है। अगला है चित्र में देखें, अगला क्या है BCC क्या कह रहा है, इसमें अवयवी कण कोणों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। क्या कह रहा है, अवयवी कण कोणों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। यहाँ पे देखो, अवयवी कण ये कोणों पर तो उपस्थित हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं, साथ में केंद्र यानी ये बीच में, इसमें भी उपस्थित हैं यानी केंद्र में। तो आपको समझ में आई रहा होगा। अगला है FCC, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठ। इसमें क्या कह रहा है, इसमें अवयवी कण कोणों के साथ साथ फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। क्या कह रहा है, कोणों के साथ साथ फलक, फलक कौन से होते हैं, ये ऊपर, ये साइड में, बीच में, ये फलक होते हैं कोणों के साथ साथ। ये कौन है, यहाँ पे तो उपस्थित है ही, इसमें फलकों पर, ऊपर साइड में नीचे बीच में इधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब में उपस्थित होते हैं। अगला है अन्य केंद्रित क्या है, अन्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या कह रहा है, इसमें अवयवी कण कोणों के साथ साथ किन्हीं दो फलकों पर उपस्थित होते हैं, यानी कोणों पर तो उपस्थित होंगे सभी, पर साथ में किन्हीं दो फलक, या फिर ऊपर या नीचे, या फिर साइड में, या लेफ्ट राइट कोई से में, किन्हीं दो में उपस्थित होंगे। जैसे ये कोणों पर तो उपस्थित हैं ही, इन कोणों पर फलक, और साथ में इनके किन्हीं दो फलकों पर, यानी ऊपर या बीच में, या यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यानी किन्हीं दो पे हो सकता है। इसको आपको अच्छे समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने ये कोई फलक बना लिया, इसमें क्या कह रहा है वो कि कोणों के साथ साथ, ये कोणों पर तो उपस्थित होंगे, सभी कोणों पर उपस्थित होगा, इसके साथ साथ किन्हीं दो, या फिर हम ये ले लें या ले लें, ये ले लिया और एक ये ले लिया, किन्हीं दो, दो पर ही होगा, पूर्णों पर नहीं होगा, दो लेना है हमें, या फिर ये ले लो या ये ले लो, या दो पर होना है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा अल्प केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अगला है संकुचन क्षमता। इसकी क्या बारी आशा क्या कह रही है, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुचन क्षमता कहते हैं। यानी कि किसी क्रिस्टली जालक में उपस्थित अवयवी, यानी कोई क्रिस्टल जालक है ये XYZ, इसमें जालक में उपस्थित अवयवी कण, यानी कि क्रिस्टल जालक किस किस चीज़ से बना है, इसमें ये क्रिस्टल जालक छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बना होगा, इन अवयवी कण कुल आयतन, यानी इन अवयवी कणों का कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये क्रिस्टल है, इसके अंदर ये छोटे छोटे कण होंगे, क्रिस्टल होंगे, उनसे ये क्रिस्टल बना है, उनका आयतन क्रिस्टल संकुचन कहलाता है। इसकी क्या है, संकुचन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। तो दोस्तों आपको ये समझ में आएगा होगा, अगर आपको इनमें कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में लिखें, वीडियो में कुछ कमी हो तो बताएं, मैं उस कमी को पूरा करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।